हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर से कम 100 ऐसे ऐप्स जो कि पर्सनल लोन देते हैं या लोन से रिलेटेड ऐप्स हैं वो हटा दिए गए हैं गूगल के द्वारा। दोस्तों, इसके पीछे रीजन क्या है और कितने ऐप्स और हटेंगे और क्या क्या क्राइटेरिया है गूगल का इन ऐप्स को हटाने के लिए, इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले साल 3-4 महीने से, जब साल खत्म होने वाला था तो 3 से 4 महीने में और अभी आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पर्सनल एप्स से रिलेटेड काफी सारे एप्स के एडवर्टीजमेंट दिखाई देते होंगे और आपको YouTube पर भी वीडियो देखते वक्त आपको काफी सारे एडवर्टीजमेंट पर्सनल लोन वाले जो एप्स हैं वो दिखाई देते होंगे। और उन एप्स का दावा यह है कि वो केवल आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पर ही आपको लोन दे देंगे और आपको कहीं भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। केवल आप वो एप्स डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर अपना प्रोफाइल बना लीजिए और प्रोफाइल में आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो रजिस्टर कर दीजिए। उसके बाद आप 5,000 रुपए तक का लोन जो है वो बिना किसी कागजी कार्रवाई के ले सकते हैं ऐप से, वो भी इंस्टेंट। उससे ज्यादा का जो लोन है उसमें 2-3 दिन लगते हैं और टेली वेरिफिकेशन भी वो लोग करते हैं। तो इस तरह से ये एप्स काफी सारे मार्केट में आ चुके हैं, एप्स के रूप में और ऑनलाइन के रूप में, और इस समय और भी एप्स आने वाले हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि जब ये इस तरह के एप्स आया तो काफी सारे, हर तरह के लोग होते हैं, तो काफी सारे जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने इन एप्स से काफी सारा अमाउंट लोन ले लिया इस नेचर से, इस माइंडसेट से कि ये लोन जब कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई है तो हम इसको नहीं भी चुकाएंगे तो ये हमारा क्या कर लेंगे। लेकिन ये एप्स एक कदम और आगे थे और इन्होंने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि अगर यूजर पैसे नहीं देता है तो उसके साथ क्या करना है। तो दोस्तों, जब ये एप्स आप डाउनलोड करते हैं अपने फोन में और जब एक्सेप्ट करते हैं सारी परमिशन को, तो ये बाय डिफॉल्ट आपके फोन में पीछे से, यानी बैकग्राउंड में आपका जो फोन नंबर का लिस्ट है, फोन नंबर जितना भी आपके फोन में सेव है या आपकी ईमेल आईडी में सेव है, वो सभी ये कॉपी कर लेते थे। उसके बाद आपका आधार नंबर और पैन कार्ड तो ऑलरेडी इनके पास रहता ही था नंबर, और उसको ये वेरीफाई करके आपको लोन दे देते थे। और ऐसा रूल भी है कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड पर लोन दिया जा सकता है, छोटा क्रेडिट दिया जा सकता है और बड़े क्रेडिट के लिए कुछ और चीजें रिक्वायरमेंट होंगी। तो यहां पर ज्यादातर लोगों ने 2,000, 500, 5,000 तक का लोन लेके और एप्स को डिलीट कर दिया और हटा दिया। उसमें क्या हुआ, उसमें दो चीजें हो गई। एक तो जो लोन का जो टाइम था, जो लोन रिपेमेंट करना था वो इन्होंने नहीं किया तो उस पर लग गया भारी भरकम जुर्माना, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट, ये सारी चीजें दवा की लगी जिसका कोई नियम कायदा कानून बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद जब ये अमाउंट बड़ा हो गया तो ये जो भी लोन लेने वाले हैं उनके पास फोन जाने लगे। अब उन्होंने क्या किया, उन्हें पता तो था ही कि लोन हमने ले रखा है तो वो फोन नहीं उठाते थे या नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते थे। अब इस कंपनी ने जो आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर का बैकअप रख रखा था, अब उन नंबरों पर फोन करना चालू किया और आपकी बुराई करना चालू किया कि आपने लोन लिया है, लोन वापस नहीं कर रहे हैं, उसमें आपके मम्मी पापा का नंबर है, गर्लफ्रेंड का नंबर है, भाई बहन का नंबर है, बीवी का नंबर है, किसी का भी नंबर हो सकता था, जितने भी नंबर थे ये सब पे धड़ाधड़ कॉलिंग हो रही है। और जब उन नंबरों पर एक दो बार कॉल हो जाती है वो भी सही से रिस्पॉन्स नहीं करते तो वहां पर गाली गलौज भी स्टार्ट हो जाती है। रिकवरी एजेंट की, जैसे आपने नाम सुना होगा रिकवरी एजेंट, तो वो जैसे भी उनको मनाता है उस तरह से वो धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं आपके जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उनसे। अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या आप उनका जो लोन है वापस नहीं कर पा रहे हैं, अब इसमें क्या है कि आपके रिलेटिव को जब कॉल जाता है तो वो जरूर आपको कॉल करेंगे, इससे आपकी बदनामी भी होगी,
रिलेटिव से रिलेशन भी खराब होगा, ठीक है, जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है उसमें आपके बॉस का नंबर है, आपके मालिक का नंबर है, और ये बहुत सारे नंबर तरह तरह के होते हैं, उनको पता लग जाएगा कि आपने ऐसा फ्रॉड किया है, आपने लोन लिया है उसके पैसे आप चुका नहीं रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से सोशल प्रेशर बनेगा। अब इसके बाद बहुत से लोगों ने सोचा चलो यार पैसे चुका के झंझट छुट्टी करते हैं। तो अब जिन्होंने वो एप्स दोबारा डाउनलोड किया, फिर वहां पर अपना अकाउंट देखा, तो जिन्होंने 5,000 का लोन लिया था उनका हो गया 20-25,000 रुपए। अब उनको और शौक हो गया कि ये 20-25 कैसे हो गया, तो वहां पर उन्होंने पूरा बता दिया एप्स वालों ने कि आपने लेट पेमेंट ऐसे ऐसे, ये वाली पेमेंट, ये प्रोसेसिंग फीस आपने नहीं दिया, ये वो ब्याज लगा के इतना ये हो गया, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने फिर भी आनाकानी करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन ये एप्स वाले अपना जो नंबर है इनके पास, एक ये जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है इस पे ही ये गाली गलौज, फोर्स और धमकी भी देते हैं, सामने वाले को डराते हैं, उसको परेशान करते हैं। अब जिसने लोन नहीं लिया उसको बार बार फोन जाएगा आपके नाम से, तो वो जरूर इरिटेट होगा और आपसे रिलेशन भी खराब हो जाएंगे और आपकी कंप्लेन भी कर सकता है। अब इस तरह की जो कंप्लेन थी वो काफी सारी रजिस्टर्ड भी हुई ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग कोर्ट में। इसके अलावा बहुत सारे यूजर्स जो हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो थोड़े टेक माइंडेड हैं, उन्होंने गूगल को भी रिपोर्ट कर दिया। और आपने देखा होगा कि एक महीने में काफी सारे न्यूज पेपर और ऑनलाइन न्यूज चैनल जो हैं उसमें ये खबरें पूरी आ रही हैं कि जो लोन डिफॉल्टर को जो प्रताड़ित किया जा रहा है और जो उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, या उन्होंने 5,000 का लोन लिया, 20,000 अब हो चुके हैं, तो उन चीजों की काफी खबरें आने लगी थी। तो गूगल ने क्या किया, 100 ऐप्स को हटा दिया है अपने प्लेटफॉर्म से, पर्सनल ऐप्स, पर्सनल लोन वाले जो ऐप्स हैं, और वो भी हटाने के पीछे उसने एक कारण भी दिया है, और इसको गूगल ने अपने एक ब्लॉग पर लिख के पूरा बताया है कि हमने 100 ऐप्स को हटा दिया है, बाकी जितने भी ऐप्स हैं उनको भी कुछ क्वेरी भेज दिए हैं, अगर वो सेटिस्फाई उत्तर देते हैं तो उनका ऐप्स रहेगा, वरना रिमूव हो जाएगा। लेकिन एक टैग वेबसाइट है एक फाइनेंस की वेबसाइट है बहुत अच्छी, उसने बताया कि गूगल ने अभी तक 118 ऐप्स जो हैं पर्सनल लोन के उनको रिमूव कर दिया है 10 दिनों के अंदर, और आगे आने वाले दिनों में 100-150 और ऐप्स जो है वो डिलीट होने वाले हैं। गूगल ने जो बाकी बचे ऐप्स हैं, कंपनियां हैं, उनको नोटिस दिया है और कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि आप जो ऐप्स यूज कर रहे हैं, जो ऐप्स आपका यूज कर रहा है, आप उसका डेटा किस किस हिसाब से कलेक्ट करते हैं, उनका कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है वो आपके पास कैसे आती है, आप लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और आप इतना ज्यादा जो ब्याज है, जो चीजें हैं, जुर्माना है, ये किस हिसाब से लगा रहे हैं, ये सारी चीजों की डिटेल अगर एप्स कंपनी दे देती हैं तो वो बच जाएंगी। जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके एप्स अभी भी हैं, अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि वो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही हैं, इंडियन रूल्स। इसमें केवल कॉन्टेक्ट लिस्ट में गाली देना ही नहीं है, जो भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस लगा रहे हैं, जो लेट पेमेंट इतनी ज्यादा ज्यादा लगा रहे हैं, वो भी किसी रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं आता, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन अगर ये लोग दे देंगे तो गूगल उनका एप्स नहीं डिलीट करेगा, वरना आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे जो एप्स हैं, 100 तो खत्म हो चुके हैं, 118 तो खत्म हो चुके हैं, और 150 के करीब एप्स जो हैं वो भी हट जाएंगे। और आने वाले दिनों में गूगल अपने YouTube प्लेटफॉर्म और अपने वेबसाइट वाली प्लेटफॉर्म जो है एड में, जिसमें एड देती हैं ये कंपनियां जो एड देती हैं, जो हमें दिखाई देता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाने वाली है इन ऐप्स को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आप भी इन पर्सनल लोन वाली ऐप से बच के रहें, क्योंकि यहां पर जो है ये आपको लोन देते हैं एक तरह से, यहां पर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग फीस लगाएंगे, बहुत ज्यादा लेट पेमेंट लगाएंगे, और इन ऐप्स में को आपको पता ही है कोई भी चीज ऑथेंटिक नहीं है, तो कुछ भी गलत हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।